एवरीवन, वेलकम टू अमेजिंग ऑनलाइन एजुकेशन। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको एग्ज़ाम के टाइम कैसे प्रिपेयर करना है। सबसे पहले आपको सुबह 5 से 8 बजे का टाइम अपना वेस्ट नहीं करना है। ये टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा होता है पढ़ने के लिए। आप दिन में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको सुबह के टाइम 5 बजे से लेकर 8 बजे ज़रूर पढ़ना है। आपको स्टे हेल्दी एंड फिट रहना है। एग्ज़ाम टाइम में आपको कम से कम 3 महीने के लिए जो है जंक फूड छोड़ देना है। आपको हेल्दी खाना खाना है, घर का बना हुआ खाना खाना है और फ्रूट्स का बहुत ज़्यादा सेवन करना है। आपको साथ ही में पानी बहुत ज़्यादा पीना है, जिससे आप हाइड्रेटेड रहे। आपको स्मॉल चंक्स में पढ़ना है। आपको बहुत ज़्यादा 3-4 घंटे लगातार नहीं पढ़ना है, आपको छोटे छोटे चंक्स में पढ़ना है। सपोज़ करिए आप 25 मिनट्स पढ़ते हैं, तो 5 मिनट का रेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, आपको सोशल मीडिया और टीवी को बाय बाय कर देना है। उनसे डिस्ट्रैक्शन होता है एग्ज़ाम टाइम में, तो आपको वो नहीं यूज़ करनी है अपने एग्ज़ाम टाइम के दौरान। कम से कम 2 महीने के लिए आप कोई भी सोशल मीडिया या टीवी का इस्तेमाल नहीं करेंगे और ना ही देखेंगे। आपको एग्ज़ाम को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है। कुछ पेरेंट्स और चिल्ड्रन जो होते हैं, वे एग्ज़ाम को बहुत ज़्यादा सीरियस ले लेते हैं और बाद में जो है अगर उनके मार्क्स कम आते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा अफसोस होता है, या फिर वे सुसाइड तक कर लेते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। एग्ज़ाम जो है आपका एक पार्ट है लाइफ का, ये पूरी लाइफ नहीं होते हैं। तो आपको जो है पढ़ना है, बहुत मन लगा के पढ़ना है, लेकिन बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है। ये एक पार्ट है लाइफ का। तो अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छी लगती है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।